हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? अभी तक तो तैयारी शुरू कर भी दी होगी, है ना? आपके लिए गुड न्यूज़ है आज के लेक्चर में। देखो, अच्छा, नंबर सिस्टम पार्ट वन आप लोगों ने देखा नहीं? देखा नहीं? देखा तो जाइए, देखिए, बहुत अच्छे से करवाए और डिटेल सोल्यूशन के साथ है। बहुत हल्के हाथों से, मतलब बड़े लाइट उसमें करवाया नोट मैंने, किसी क्वेश्चन पर कोई जोर नहीं, बड़े प्यारे से सोल्यूशन करवाए। अच्छा, क्या खास है आज के लेक्चर में पूछ रहे हो? अच्छा, लाइक कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को। इसी बात पे देखिए, ये गुड न्यूज़ है जी आपके लिए। यूपीएससी सीसेट फ्रेश बैच, डोंट फ्रेश बैच है आपके लिए। डोंट टेक सीसेट टू लाइटली, मतलब क्या इस बात का कि सीसेट को लाइटली, मतलब पिछली बार देखा ना लाइटली लेके क्या हुआ, आसान पेपर बिल्कुल नहीं था। नंबर सिस्टम क्यों करवा रहा हूँ मैं, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब खाली क्वालिफाइंग की बात थी तो ठीक है, दैट वॉज कैपेबल, रीजनिंग और इंग्लिश भी था आपके साथ, बट जब मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते ना तो एक डीमोरलाइजेशन आ जाती है कि आपके पास क्यों नहीं हो रहे हैं। एक दो क्वेश्चन मुश्किल दिखे, हो गया काम। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आज के लेक्चर के लिए? देखिए, आज के लेक्चर में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? फ्रेश बैच है, डोंट टेक सी सेट टू लाइटली, अभी भी कह रहा हूँ मैं, पछताओगे वरना। जितनी जल्दी सी सेट की तैयारी शुरू कर दो उतना जल्दी अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों ने जीएस पढ़ पढ़ के किताबें ख़त्म कर दी, बट असली मौके पे जो कौन मार गया आपका लास्ट ईयर सी सेट, ठीक है? फिर बोल रहे हैं जी आईआईटी का क्वेश्चन है, भाई ठीक है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक तो वही है, ठीक है। मैं मानता हूँ कुछ क्वेश्चन थे मुश्किल, मानता हूँ मैं लेवल थोड़ा था, बट आपको भी तो उस हिसाब से अब तैयारी करनी पड़ेगी। अब तो अकल आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से कि भैया अब पढ़ लो। तो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of July, भैया 10 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में रहने वाला आपके साथ, और अब जो है क्वेश्चन मॉडरेटेड लेवल के करवाए जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है? मतलब एक नए अप्रोच का क्वांट आपको पढ़ने को मिलेगा हमारे साथ। तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए और आज ही इनरोल हो जाइए, बिकॉज याद रखना मौका बार बार नहीं मिलता, समय बहुत तेज़ी से निकलता है, पता भी नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम डे आ गया, ठीक है? फिर कहोगे सर सी सेट की तैयारी तो हुई नहीं, तो लाइटली अब नहीं ले सकते हम किसी भी चीज़ को, ठीक है? यूपीएससी ने बता दिया कि भैया पढ़ना तो सारा पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो देर मत लगाइए, करिए इस मौके को अवेल। सो 10th of July से सी सेट का नया बैच आ रहा है आपके पास, सो प्लीज़ अवेल दैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 85 × 87 × 89 × 91 × 95 × 96 इज डिवाइडेड बाय 100। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, इट मींस 85 × 87 × 89 × 91 × 95 × 96 एंड दिस नंबर हैज टू बी डिवाइडेड बाय 100। सो व्हाट यू हैव टू डू, वट इज़ माई रिमाइंडर, वट इज़ माई शेष फल, रिमाइंडर होता क्या बेसिकली, वट इज़ रिमाइंडर? इफ़ यू आर डिवाइडिंग अ नंबर, लाइक इफ आई एम डिवाइडिंग 10 by 4, 4 × 2 = 8, 2 इज माई रिमाइंडर, इसको शेष फल या रिमाइंडर बोला जाता है बेसिकली, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगर मेरे पास ऐसा होता, देखिए 10 / 5, 5 × 2 = 10, इफ डिनोमिनेटर बिकम्स 1, देन वी डोंट हैव एनी रिमाइंडर। कह सकते हो कि डिनोमिनेटर ने न्यूमिनेटर को पूरी तरीके से काट दिया, तो वी डोंट हैव एनी रिमाइंडर, ओके? लाइक इन दिस क्वेश्चन, फर्स्टली 5 = 17 = 20, ओके? सो 5 = 19 = 5 = 4 = 24, सो लुक एट दैट, क्या बचा मेरे पास, ओनली 1। सो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर कितना है, ऑप्शन नंबर है 0, वी डोंट हैव एनी रिमाइंडर, बिकॉज जिस चीज़ से मैंने डिवाइड करना है वही चीज़ मेरे पास पूरी पूरी कट गई, तो वी डोंट हैव एनी रिमाइंडर, कोई मतलब नहीं रिमाइंडर का। चलिए जी, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन? देखिए, व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, व्हेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, इट इज 5 × 7 = 242 × 9 × 7 × 5 × 3 × 1। सो
वट इज़ यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट ऑलवेज डिपेंड अपॉन, यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करता है? इट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द दिस नंबर, और यू कैन से दैट माई यूनिट डिजिट है ना, यही होता है। इसका मतलब जो मेरे पास दो की पावर ये, जिसका यूनिट डिजिट इस पूरे कंप्लीट नंबर का भी यूनिट डिजिट होगा। इन द सेंस वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। सो व्हाट अबाउट साइक्लिसिटी ऑफ 2? साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4, कि दो की कौन सी पावर अपने आप को रिपीट करती है? वो हर फोर्थ पावर दो की अपने आप को रिपीट करती है स्टूडेंट्स, दैट इज द पॉइंट। सो 9 7 63 63 इंटू ऑफ हाउ मच 15, सो इट इज 630 एंड 315, सो 549, इट इज 945। सो 2 रेज टू पावर 9 45 नॉट 44। ठीक है जी। सो जो 2 रेज टू पावर 1 का मेरे पास यूनिट डिजिट हो गया वही होगा, ध्यान से देखिए प्लीज। सो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर? बिकॉज जब आप जाओगे सो 944 पे कंप्लीटली कट हो जाएगा, बिल्कुल होगा, तो कितना बचा? या आप ऐसे देखो इसको, मैं आपको अप्रोच बताता हूं। आप क्या करो, इसमें रिमाइंडर निकाल लो 944 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज साइक्लिसिटी से जो भी दो, या अगर यहां पे तीन भी होता ना तो तीन की भी साइक्लिसिटी मेरे पास चार ही होती है। ठीक है, तब मैं क्या करता, इसको चार से डिवाइड 945 not 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस 1। और क्या कर दो, इसकी पावर कर दो 2 रेज पर 1, कितना होता है मेरे पास? 2। तो बेटा आंसर कितना आ गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। इफ ए बी सी एंड डी एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एंड एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स such that a b c plus d e f is equal to 1111, मतलब a b c d e f। अब देखो इसका मतलब क्या है, और सॉरी a प्लस आएगा, इसका मतलब क्वेश्चन का क्या है कि a b c d e f इन छियों की अलग अलग वैल्यूज है रिक्वायर्ड, मतलब मेरे पास अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेम वैल्यू में पुट कर दूंगा रिपीटेशन तो लिखी नहीं है ना, समझ आ गई बात? अलग अलग वैल्यूज मुझे लेनी पड़ेगी, हमेशा याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न में। देखो सबसे पहली बात, ए बी सी और एफ, मतलब सी प्लस एफ मुझे क्या चाहिए? सी प्लस एफ मुझे 1 चाहिए, या तो 0 1 कर लो, बट 6 5 भी तो हो सकते हैं, 5 6 6 5 कुछ भी पुट कर लो, बिकॉज मुझे एंड में इसको प्लस करना है। 6 प्लस 5 कितना होता है? 11 होता है। मतलब अगर C को मैंने 6 पुट किया और F को मैंने 5 पुट किया, मैं लिख लेता हूँ क्या क्या मेरे पास, C इज इक्वल टू 6 और F इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे 6 और 5 11, तो A कैरी हुआ, मतलब B प्लस E मुझे कितना चाहिए? मतलब B प्लस E मुझे 10 चाहिए। अब B प्लस ई जब आप 10 बनाओगे तो कोई ऐसी दो वैल्यूज जो मैंने अब तक ना ली हो, 7 और 3, अगर B को मैंने 7 लिया और E को मैंने 3 लिया, ठीक है, इसको 7 लिया प्लस इसको 3 लिया, ये चार वैल्यूज मैं फिक्स कर चुका हूँ, तो 7 3 10 11 1, ठीक है, ये एक आ गया। अब मेरे पास एक यहाँ गया, अब कौन सी दो वैल्यूज हैं जो अभी तक मैंने नहीं ली? देखो 6 5 7 और 3 मैं ले चुका हूं, तो बच्चों कौन सी दो वैल्यूज हैं जो अभी तक मैंने नहीं ली? सोचिए देखो, जिनका सम 10 हो सकता है, 3 और 7 का सम 10 हो सकता है, 5 और 5 ले चुका हूं, 5 तो नहीं आएगा, 6 और 4 भी हो चुका है, तो क्या 8 और 2 ले लें कि ए 8 और डी क्या मेरे पास 2 ए 8 D 2। देखो सारी वैल्यूज अलग अलग हैं, देखो ये कितना होगा, 7 3 10 10 20 और 11 31, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे लिखा हो ना डिस्ट्रिक्ट नॉन जीरो नंबर्स,
कोशिश करो कि आप सारी की सारी वैल्यूज अलग अलग लें, सेम वैल्यू कोई नहीं लेनी है। क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था जिसने दुखी किया था बच्चों को, भैया क्या कितनी वैल्यूज कैसे आएंगी। डीज आर थ्री डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर। एक मिनट लेट मी चेक, इसके मुझे ऑप्शंस कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं ऑप्शंस एक बार इसके चेक कर लूँ, ऑप्शंस में गड़बड़ी है इसके। तो ऑप्शंस क्या है मेरे पास, मैं ऑप्शन थोड़ा ठीक कर दूँ इसके। ऑप्शंस ले लीजिए इसके आप 8, 9, 10, 11, 8, 9, 7, 6 ऑप्शंस प्लीज़ ठीक कर लीजिए इसके। 8, 9, 7, 6 मेरे पास ऑप्शंस हैं। चलिए माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शंस इसके ऐसे थे। डीज आर थ्री डिजिट नंबर सच दैट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100th प्लेस एंड द यूनिट डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ डी। देखो डी मेरे पास क्या है, डी एक ना 3 डिजिट का नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे डी मेरे पास क्या है, डी मैंने बोला ए बी सी है, वो क्या कह रहा है मेरे पास। देखो पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100th प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। मतलब वो क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मुझे मिनिमम चाहिए, फिर मुझे ए और सी का डिफरेंस लेना है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे को, समझ आ गई बात। क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे मैं बात करूं, नंबर ले लो भाई 999 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 प्लस 9, ये क्या हो गया आपके पास 999 डिवाइडेड बाय 27, 3 × 27 और 3, 3, 3, ये कितना हो गया मेरे पास 111/3। ठीक है, कितना हुआ 111/3, तो ये कितना हुआ 3, 3, 9 और 3, 7, 21, 37 times। ठीक है, सो इस तरीके से आपने अब इस क्वेश्चन को देखना। अब देखिए कैसे देखेंगे, जैसे और कोई नंबर ले लो, जैसे अगला नंबर आप 100 ही ले लो, चलो मतलब 100 / 1 + 0 + 0, तो भाई ये तो ग्रेटर देन 37 आ गया, ये तो 100 आ गया, ये तो ज़्यादा आ रहा है मेरे पास, मुझे मिनिमम टू मिनिमम चाहिए। देखो जैसे मैं करूँ 199 / 1 + 9 + 9, तो ये कितना हो गया 199/9, 9, 18, 19। देखो ये क्या नंबर है मेरे पास, डिवाइड कैसे करेंगे ऐसे 199/19, तो ये कितने टाइम्स आएगा मेरे पास 10 टाइम गया, 10.5 समथिंग आएगा, 4, 5 समथिंग आएगा, 5 मेरे ख्याल 5 आना चाहिए। ठीक है जी, देखो करके देख लेते हैं, एक्यूरेटली निकाल के देखते हैं सो कितना आएगा मेरे पास, ताकि मेरे पास आंसर सही आ सके इसका। ठीक है, देखो ये कितना आएगा 190 + 9/19। ठीक है, सो ये कितना हो गया मेरे पास 10 + 9/19, इसको 90 बना दूँ। देखो ये तकरीबन 10.4567 पे जाएगा नंबर, 10.5 इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये नंबर इतना बन जाएगा। अच्छा एक और नंबर लेके देखो, अगर मैं 189 लूँ, 189 डिवाइडेड बाय 10.4 ही बनना चाहिए मेरे हिसाब से ये। ठीक है, ये 10.4 ही बनेगा। ठीक है, चलो 10.4 के अराउंड लेते हैं इसको वन डिजिट में। अब जैसे 189 है 1 + 8 + 9, तो ये कितना हो गया मेरे पास 189 / 9, 10, 8, 18, ये आएगा एक्यूरेटली, ये आएगा 10.5। ठीक है, सो मेरे पास मिनिमम नंबर गया 199, 9 - 1 कितना हो गया आपके पास 8, तो माफ़ कीजिएगा ऑप्शंस के लिए। ठीक है, की बात समझ में। चलिए तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ज़बरदस्त वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ज़बरदस्त एक्चुअली, यह इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूरा मतलब झिझोड़ के रख दिया एक स्टूडेंट को कि भैया है क्या ये तो नदिया के पार वाली बात है कि भैया चलो तैर के चलें। देखो ए बी एंड सी डी आर टू डिजिट नंबर्स, मल्टीप्लाई ए बी एंड सी डी
रिजल्ट इज अ थ्री डिजिट नंबर डी ई एफ, एडिंग डी ई एफ टू अनदर थ्री डिजिट नंबर जी एच आई रिजल्ट टू 975. फर्दर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स ई और एफ. देखो अगर मैं शुरू में ये करने में जाता ना ए बी मल्टीप्लाई सी डी तो भयंकर फंसने की बात थी, बिकॉज यहां से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज निकल जाएंगे मेरे. ठीक है अब देखो करना क्या था, उसने क्या बोला, एडिंग डी ई एफ टू अनदर थ्री डिजिट नंबर जी एच आई, डी ई एफ ये मल्टीप्लाई है प्लस जी एच आई जहां पे मुझे ई और एफ की वैल्यू दे रखी है, जहां पे मुझे क्या दे रखा है इजिकल टू जीरो एफ इजिकल टू, मुझे बेसिकली बी ए और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है बच्चों देखो, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, देखिए जरा ई जीरो है और एफ क्या 8 है, पुट करो डी 08 जी एच आई और 975. समझिए इस बात को कि अब मेरे पास ये सिनेरियो बना कि इन दोनों को जोड़ने पे ना मेरे पास 975 बन रहे. सोचो क्योंकि यहां से मैं ब्लाइंड मोड पे यहां से मैं कुछ नहीं बता सकता, बट यहां से बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत कुछ जिसे बोलते हैं. अब वो बहुत कुछ क्या, सुनो देखो डी जीरो एट डी एच आई. अच्छा एक बात आऊ, आठ में कितना जोड़ू 5 आए, आठ में कितना जोड़ू कि मेरे पास 5 आए, सोचिए आठ में क्या जोड़ू कि 5 आए, 8 7 15. यानी अगर मैंने आई को 7 पुट कर दिया, अगर ये मेरे पास 7 आ गया, 15 5 एक एक क्या कैरी. ठीक है अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपल सिंपल 7 चाहिए, तो क्या एच में 6 पुट कर सकता हूँ. सोच के देखो, कोशिश करो कि सारे नंबर्स बराबर अलग अलग आए, एच क्या क्या 6 आ गया. अब डी और जी मेरे पास क्या होने चाहिए, देखो डी और अगर मैं जी की बात करूं मेरे पास 9 होना चाहिए, डी प्लस जी मेरे पास क्या होना चाहिए 9 होने चाहिए. कैसे कैसे बन सकते हैं, 3 प्लस 6 4 प्लस 5 2 प्लस 7 और 1 प्लस 8. ठीक है मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बोला है कि ट्राई टू मेक अ सेंस कि मेरे पास नंबर वो ना हो, रिपीट ना हो. देखो 8 यहाँ पे आ चुका है तो इसको काट दो, 6 आ चुका है तो इसको काट दो, 7 आ चुका है इसको काट दो, इसका मतलब डी प्लस जी मेरे पास 9 होगा, तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है 4 5. वी डोंट नो कि अभी डी और जी की वैल्यू क्या रहेगी, वी डोंट नो कि डी 4 रहेगा या 5 रहेगा कि जी 4 रहेगा या 5 रहेगा, कहाँ से पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा. एफ की वैल्यू 8 है, एफ की वैल्यू क्या 8 है. देखो होपफुली ये तो समझ आ गया होगा आपको, यहाँ चलते हैं भाई. देखो मेरे पास क्या है भाई, समझ लेना, क्वेश्चन बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, पेन कॉपी छोड़ दो अभी, समझ लो इसको. ये क्वेश्चन समझ आएंगे जब जाके अप्रोच डिवेल्प होगी, जब जाके हम आप कुछ कर पाएंगे जो 10 जुलाई से बैच है, पता चलेगा आपको, एनरोल करो जल्दी जल्दी, नंबर दिए हैं वहाँ पे. देखो अगर मैंने डी को 5 लिया है ना, अगर मैंने डी को 5 लिया मतलब ए बी गुना सी इंटू 5, सी इंटू 5 तो मेरे पास क्या आना चाहिए 5, ई कितना मेरे पास 0 और एफ कितना मेरे पास 8. अब यहां से मुझे क्या पता था डी मेरा 5 हो ही नहीं सकता, कैसे कहोगे बेटा एक बात बताओ, अगर मेरा 5 है मैं किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं या तो मेरे पास 0 आता है या आता 5. ये बात समझो कि अगर मैं किसी नंबर को इफ आई मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 5 व्हाट विल आई गेट, यूनिट डिजिट इज 0 और यू कैन से दैट 5, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20. सो डी मेरा 5 नहीं हो तो डी मेरा क्या होगा 4 और जी मेरा कितना होगा
पाँच, मुझे डी से मतलब है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखो मेरे पास ए बी गुणा सी इंटू फोर कितना चाहिए मुझे, 408 चाहिए, 408। अब 408 आपको चाहिए है, सो अगर मेरे को यहाँ पे 8 चाहिए तो क्या बी में 2 पुट कर सकता हूँ? सोचे देखो क्या बी 2 आएगा, सोचे देखो क्या बी 2 आएगा, क्या बी 2 आना चाहिए? तो यहाँ पे मेरे पास बी बी कितना आ गया, 2 कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, अगर मैं ए को 1 पुट करूं, करके देखते हैं तो ये कितना हो गया 1 2 C4 है ना, 4 2 8 4 1 4, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, यहां पे मुझे 6 चाहिए तो C3 आएगा, 3 2 6 3 1 3 तो 8 0 4, तो भैया C आ गया 3 और B कितना आ गया आपके पास 2, 3 2 5 1 6, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे होना था ये क्वेश्चन, ऐसे होना था ये क्वेश्चन, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ये, कोई आसान क्वेश्चनों में से नहीं था, इस क्वेश्चन को मैं सच में मुश्किल मानता हूँ आप लोगों की लेवल जिस आपका आपने पढ़ा था, बट अब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि किस लेवल का पढ़ना है, तो भाई अब ना देर मत करना प्लीज़, इनरोल हो जाइए, 10 जुलाई से बेस्ट स्टार्ट हो रहा आपका। चलो, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2^192 इज डिवाइडेड बाय 6। देखो ये बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बट आप लोगों को कैसे करना था मैं बताता हूँ। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, एक सीरीज बनाने की कोशिश करो। देखो क्या है मेरे पास, मतलब 2^1 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा, 2, 2^2 को 6 से करता हूँ कितना आएगा, +4 रिमाइंडर, 2^3 डिवाइडेड बाय 6 +8/6 फिर कितना आएगा, +2, 2^4 डिवाइडेड बाय 6 यानी 12/6 कितना आएगा, ओ सॉरी 16/6 कितना आएगा, +4 यानी जब 2^ ऑड है तो मेरे पास 2 आ रहा है, जब 2^ इवन है तो 4 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल, कुछ नहीं था इस तरह क्वेश्चन में, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जो था ना वो अगले क्वेश्चन में था, क्या देखते हैं। चलो चलिए भाई, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे, कितने होंगे भाई बताइए। देखो 1186, अगर मेरे पास नंबर चाहिए मुझे, नंबर क्या होगा मेरे पास बेसिकली, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर्स। देखो यानी अगर मेरे पास एक नंबर ज्यादा है, डिवाइड करना है ना, -31 कितना होगा मेरे पास, -1155 है, तो ये लग रहा है, ठीक कर देते हैं इसको अभी भाई, 5 से तो आंकड़ा है, 5 नहीं लिखा जाता कई बार सही। अब जो जो मेरे पास 1155 के फैक्टर्स होंगे ना वही करेंगे, 1155 के फैक्टर बनाएंगे ना, देखो 11 × 105 है, अच्छा 11 × 7 × 3 × 5 तो क्या फैक्टर्स आ गए मेरे पास 1155 के, 3 × 7 × 5 × 11 ये मेरे पास 4 फैक्टर आए हैं किसके भाई 1155 के। अब इनके सब फैक्टर्स मतलब इनको मिला मिला के जो फैक्टर्स आएंगे ना वो मुझे बताने, वो टोटल नंबर फैक्टर्स कितने हैं, यही क्वेश्चन में दिमाग खराब हुआ बच्चों का कि कैसे। चलो बनाते हैं भाई, देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले मैं क्या लिखूं, देखो
ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूं, पहले 7 गुना 5 लिख दूं, 35। और एक बात याद रखना, जो भी नंबर आएगा ना वो 31 से बड़ा होना चाहिए। जैसे 7 गुना 3 21 है ना, तो 21 को नहीं लूंगा मैं, रीजन रिमाइंडर फिर मेरा 31 नहीं बचने वाला। ये बात ध्यान रखना, इस बात को थोड़ा देख के चलना कि कैसे करोगे, ठीक है। 7 5 35, 35 गुना 11 कितना, 385। ये नंबर आपको बना के देखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है कि हवा में तीर उठाया और हो गया, समझा कि बात, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट नंबर क्या बन सकता है जो 31 से बड़ा हो, 11 गुना 3, तीसरा नंबर बनाते थे। ध्यान से, मैं समय इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग भी मेरे साथ बता पाओ कि नंबर्स क्या होंगे। 3 नंबर तो बन चुके हैं, चौथा नंबर बताइए क्या होगा। 7 गुना 11 होगा, 7 गुना 11 77 होगा, बिल्कुल होगा। देखो क्या 11 गुना 5 हो सकता है, आप कहोगे सर 55, बिल्कुल हो सकता है। 31 से बड़े सारे के सारे, ऑब्वियसली 31 से बड़े नंबर्स। नेक्स्ट नंबर कैसे निकलेगा, हाउ विल आई गेट नेक्स्ट नंबर। अब तीन तीन को बनाए, देखो अब तीन तीन की बारी है। दो दो वाले नंबर हो चुके हैं क्या मेरे, अगर मैं बात करूं 11 गुना 5 गुना 3 हो सकते हैं, क्या 165 आएगा, बिल्कुल हो सकता है। ये नंबर ही मेरा 7 3 से बना था, 7 गुना 5 गुना 11, 3 नंबर से मिलके बना था मेरा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है मेरा, ध्यान से देखो ये कितने नंबर बन चुके हैं अब तक, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो चुके हैं, तो 6 से तो ज़्यादा ही बनेंगे मेरे नंबर। रीज़न अभी 3 वाले बचे और एक 4 वाला है, 1155 खुद तो बचा ही हुआ है, तो डेफिनेटली जो मेरा नंबर है वो 6 से बड़ा है। एक नंबर और आते ही मैं 7 को भी काट दूंगा, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, 11 गुना 7 गुना 5 हो सकता है मेरा, हो चुका है वो। अच्छा 11 गुना 3 गुना 5 हो सकता है, 11 गुना 3 गुना 5 हो गया, 7 गुना 5 गुना 3 हो सकता है, 7 गुना 5 गुना 3 कितना हुआ, 7 21 105। देखो ये नंबर कितने आ गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो भैया ये भी ख़त्म हो गया। अब अगर एक नंबर और आ गया ना मेरा, तो मेरा आंसर 9, अदरवाइज मेरा नंबर 8 है। अब वो एक नंबर खोजना है अपन, खोजिए फटाफट ज़रा, मिला अभी नहीं मिला होगा। देखो एक नंबर बचा है मेरा, अगर मैं करूँ 11 गुना 3 गुना 7, 33 गुना 7 कितना हुआ, 231, तो कितना नंबर है टोटल, क्योंकि एक लास्ट नंबर जो है ना वो 4 वाला बनेगा। पेयरिंग की एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में पेयरिंग की है, बस इतनी सी बात थी, ये क्वेश्चन था। तो कितने फैक्टर्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 231 मेरा, 9, 231 दोबारा लिखा तो नहीं ना मैंने, चेक करो बस। तो ये था भाई नंबर सिस्टम का पार्ट टू, जो धमाकेदार था। पहले पार्ट में बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, दूसरे पार्ट में बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं अभी भी आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ, अभी भी जो कि मैंने शुरू में बताई थी उसी पेज से दोबारा लेके जाऊंगा आप लोगों को मैं, कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर स्पेशली सीसेट। क्योंकि जिस हिसाब का पिछला सीसेट आया था, मैं नहीं चाहता या पूरी हमारी टीम नहीं चाहती कि एक भी बच्चा ऐसा रहे जो मैथ या सीसेट के किसी भी टॉपिक से डरे, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम 10th of July, विच इज़ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। अगर आप आ सकते हैं तो ऑफलाइन आ जाइए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी इसको अवेल कर सकते हैं। तो इन नो नाउ नंबर्स आर गिवन बिलो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।